कितनी गिरे अब बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंसर साहब, मैंने आपसे कुछ पैसे मंगवाए थे, लाए हैं? मैं क्या बैंक मैनेजर लगता हूँ? अरे यार, जब भी मुझसे मिलती हो पैसे पैसे, आखिर मसला क्या है? आप जानते हैं मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिए बीबी जी, लेकिन आपकी अब्बू की तबीयत सही कब थी? यार मजाक कर रहा हूँ, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, लो ग्लव कंपार्टमेंट खोलो, उसके अंदर रंग लो, पेन खोलो, खोलो। मतलब खुशी का इजहार लोग मुस्कुरा के करते हैं, थोड़ा तो मुस्कुरा लो। नहीं? चलो तो फिर मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूं, लेकिन नजले से तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी अब्बू की नहीं बल्कि तुम्हारी तबीयत खराब है। यार थोड़ा तो मुस्कुरा लो प्लीज, पैसे नहीं लगते। नहीं? ये लो भाई। राय। अरे भाई, इस मुल्क का क्या बनेगा जिसको देखो अपनी मर्जी चला रहा। हमारी भी हद है,
जरा सा सौदा लेने इसीलिए नहीं भेजती, किसी से भी लड़ भिड़ के आ जाते हो गई लड़ाई किसी से। अरे भाई जब आलू 100 रुपए का बेचेंगे तो लड़ाई तो होगी ना, और मैंने तो खाली कहा था कि लिस्ट कहाँ है भाई, तो कहने लगे कि लेना तो लो वरना आगे बढ़ो। अरे एक पाव आलू तो लेने भेजे थे, अच्छा ही बता सारा सामान तो ले आए ना। ले आया। सांस तो फूल रहा है तुम्हारा, दवाई लिया अपनी, पानी लाऊं? नहीं मैं खुद ही पी लूंगा। क्या जरूरत है किसी को इस तरह बुलाने की, इतनी चाय और इतना ही सब कुछ करने की? अरे सिर्फ एक चाय की प्याली पिला के रुखसत कर देते, रिश्ता तो तुमने करना होता नहीं। जब भी कोई ढंग का रिश्ता आएगा तो जरूर करूंगा शादी बेटी की। मैं पानी पीने जा रहा हूँ। सांस लिया नहीं जाता ठीक से, ब्लड भर के आ जाते। चार फूलों का क्या गुलदस्ता बनाऊंगी, पता नहीं किसको बुला ले। हाँ भाई क्या क्या तैयार कर लिया? दही बड़े बना के रख दिए, समोसे उसी वक्त गरम गरम तर लूंगी। ठीक है। ये लड़का करता क्या है? पता नहीं मैंने पूछा ही नहीं खुर्शीद से। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई वो लड़का अगर किसी होटल में बैरागिरी करता होगा तो तुम समझती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा उससे? अरे भाई ये तो मालूम कर लिया करो। छोड़ो फारिया के अब्बा, बस पैसा होना चाहिए आदमी के पास। वैसे भी मैंने सुना है आजकल कि जो वेटर वगैरह होते हैं उनकी खूब तनख्वाहें होती हैं, अच्छा कमा खा लेते हैं, बस काफी। देखो मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मेरी रगों में मुगलिया खून दौड़ रहा है। बादशाह हुआ करते थे हम यहाँ के? बादशाह हुआ करते थे, यूं कहो अय्याश हुआ करते थे, और अपनी सारी बादशाह जो है ना वो अय्याशियों में उड़ा दी, बादशाह हुआ करते। बहरहाल मैं किसी उल्टा सीधा काम करने वाले से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा, समझे तुम? फारिया के अब्बा उल्टा सीधा छोड़, कोई इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी रिश्ता आ जाएगा ना, तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाले, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि फारिया घर से चली गई तो हम दोनों का क्या बनेगा। अरे फारिया आ गई। अरे बेटा आ गई तुम जी। चलो अच्छा हुआ। अच्छा अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ क्योंकि वो रिश्ते वाले आ रहे होंगे। फिर वही तमाशा। मैं क्या करूं, मुझसे थोड़ी पूछते हैं, जिसको मर्जी बुला लेते। दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है जो हमेशा अपनी बेटी को घर बिठाना चाहे। आपकी दवाएं। अच्छा तनख्वाह मिल गई तुम्हें? नहीं, बॉस से अपनी तनख्वाह एडवांस मिली है। अच्छा भाई अल्लाह मियाँ तुम्हारे बॉस को खुश रखे, जितना वो हमारा ख्याल करते हैं अल्लाह उनका ख्याल करे। मैं आती हूँ। हाँ अभी मियाँ तुम्हारे बॉस को खुश रखे, जितना वो हमारा ख्याल करते हैं अल्लाह उनका ख्याल करे। दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है जो हमेशा अपनी बेटी को घर बिठाना चाहे।
मैंने आपसे कुछ पैसे मंगवाए थे, लाए हैं? अरे यार, जब भी मुझसे मिलती हो पैसे पैसे, आखिर मसला क्या है? आप जानते हैं मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिए बीबी जी, लेकिन आपकी अब्बू की तबीयत सही कब थी? तुमने उसका खुला गिरेबान देखा? लड़के में इतनी तमीज नहीं थी कि ऊपर का बटन अपना बंद रखता। पता था मुझे फारिया के अब्बा, तुम इस रिश्ते से भी इनकार ही कर दोगे, बहाने मत बनाओ। अरे तो क्या करूं, किसी भी आली मवाली से अपनी शहजादियों जैसी बेटी का रिश्ता कर दूं मैं? अब कहां रही मेरी बेटी शहजादियों जैसी, चेहरा देखा उस धूपों में बाहर फिर फिर के नौकरियां कर कर कुमला के ही रहेगी। ना करो फारिया के अब्बा, अपनी बच्ची पे जुल्म ना करो ऐसे। अरे उसकी उम्र की बच्चियों की तो मंगनियां हो चुकी हैं। तुम तो जानते हो कि फारिया की कमाई से तो ये घर चल रहा है। हम अपनी बच्ची की शादी की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें बताओ क्या करूं, मेरी सांस की बीमारी तो मुझे एक घंटे खड़े होकर काम करने की इजाजत नहीं देती। सारी जिंदगी केमिकल फैक्ट्रीज में काम करके मेरे फेफड़ों का सत्यानाश हो चुका है। या अल्लाह, कैसी आजमाइश है हमारी। काश काश हमारा कोई बेटा हो। अजहर साहब, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए अच्छी सी जॉब ढूंढेंगे। आखिर ये जॉब अब तक मुझे बोर करती रहोगी। ये समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है। तो मतलब है मैं हूं ना तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करने की। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक तुम खूबसूरत हो तो मैं जवान। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये सब कुछ मजबूरी की वजह से कर रही हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, और यही तो अफसोस है कि ये सब कुछ मजबूरी में कर रही हो और मोहब्बत में नहीं। और ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बार तुम्हारी मजबूरी खत्म हो जाएगी तो मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगी। लेकिन जानती हूँ सच क्या है कि अब तुम मेरी मजबूरी बन गई। वो सिराज साहब मिल गए थे रास्ते में। हाँ। दुकान ले गए अपनी। भाई माशाल्लाह दुकान तो उनकी चल पड़ी, बड़ी चहल पहल थी, बड़ा रश था। अच्छा, वो हम तुम्हारी टके की तो मदद करता नहीं है। अरे भाई कर तो रहा है, कह रहे थे कि मेरी दुकान पर बैठ जाओ, मैं माकूल पैसे दिया करूंगा। क्या हो गया तुम्हें फारिया के अब्बू, इस उम्र में दाल चावल की बोरियां उठाते अच्छे लगोगे? अरे भाई आटे दाल की बोरियां उठाने और ढोने के लिए उसके पास लड़के वाले हैं। वो तो बस ये चाहता है कि एक ईमानदार आदमी बैठ जाए गल्ले पे बस। फारिया के अब्बू, वक्त के साथ साथ तुम्हारी उम्र के साथ अकल भी सठिया गई है। अरे करियाना की दुकान पे बैठोगे, सुबह खुलती है रात गए तक खुली रहती है, कैसे करोगे 12-14 घंटे की नौकरी?
अरे देखो, सिर्फ बैठना ही तो है। अच्छा, और वो कंजूसों का शहंशाह तुम्हें देगा क्या? 4 या 5 हजार रुपए बस? अरे भाई, 10-12 हजार से कम क्या देगा? और 10-12 हजार में तो अपने घर का खर्च चलाओगे। अरे राशन है, बिजली के बिल हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारी दवाएं हैं। 10-12 हजार तो क्यों चुटकियों में उड़ जाएंगे? अरे भाई, तो क्या करे क्या करे? क्या सारी जिंदगी अपनी बेटी की कमाई खाते रहे हम लोग, और हमेशा उसके आने वाले रिश्तों में ऐब निकालते फिरे, और कोई काम नहीं है हमको? बात करती हो तुम, जानो तुम्हारा काम जानो, मेरी समझ से तो बात कर। पीछा करते हो, तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे अपाया लड़कों को, और उसके बाद अगर मेरा पीछा किया ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे? दफा हम यहाँ से। बेटे अभी आए हैं। अब्बा कहाँ हैं? काम पे गए। काम पे? अम्मी उनकी तबीयत इतनी खराब है, आपने किसी भी वक्त सांस का अटैक हो सकता है उनको। अरे बेटा, वो है ना सिराज, उसने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, जाके उसकी दुकान पे बैठ गए। मैं तो बहुत समझाया उन्हें। अब्बा को क्या जरूरत है कमाने की? मैं हूँ ना। कब तक कमाऊंगी? कल कल आपको अपने घर जाओगी शादी होकर? फिर शादी करना कोई फर्ज नहीं है, सारी जिंदगी भी कमाना पड़ा तो कमाऊंगी मैं। ठीक, शादी करना फर्ज नहीं है, लेकिन माँ बाप का तो फर्ज है ना कि अपनी बेटी को उसके घर रुखसत करें। अगर मैं आपका बेटा होती तो तब भी आप मुझे यही कहती? बेटा, अम्मी मैं बेटा हूँ आपका, मैं करूँगी काम, मैं कमा रही हूँ। आप अब्बा को मना करें प्लीज, उनकी तबीयत और उम्र ऐसी नहीं है कि वो काम करे, समझाए ना उन्हें। बहुत समझा चुकी मैं उनको, मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब तुम कुछ कहो, तुम ही बात करो। वापस कब आएंगे? पता नहीं मुझे, दुकान तो वैसे भी रात गए तक खुली रहती। तुम जाओ, जाके कपड़े बदलो, थक गई हो, जाओ। अस्सलामुअलैकुम। मैं कल के लिए आपसे माफी मांगने आया। असल में कल आपने इतनी जबरदस्त कांड पिलाई के मैं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठ बोल रही हूँ, आपका चेहरा तो बता रहा है कि आप मुझसे बहुत कुछ सुनना चाहती हैं। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और ये कि मैं आप और आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और ये भी कि आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं। ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? तभी तो आप मुझे अच्छी लगती हैं। सुनो, आज शाम
चीजें जैसी नजर आती है वैसे होती नहीं है। आप नहीं जानते कि मेरे क्या क्या मसाइल हैं। नहीं जानता लेकिन जानना जरूर चाहता। अब्बा को सांस की बीमारी है, एक केमिकल बनाने वाली कंपनी में जॉब करती थी, काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता। अगर ना निकलूं तो फाके पड़ जाएं घर में, अब की दवा भी ना आ सके। जिंदगी नाम ही मुश्किलात का, किसी की ज्यादा और किसी की कम, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल जरूर होती है। ठीक कह रहे हो, शायद इसीलिए मैंने कभी किसी से गिला नहीं किया। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो बात कहूं आपसे? कुछ भी कहिए लेकिन प्लीज शादी का मत पूछिएगा। इतनी बेसब्री क्यों है? पूरी बात तो सुन ले। हेलो जी अम्मी, क्या हुआ है, खैरियत है सब? अच्छा आप परेशान हो, मैं आ रही हूं, मुझे जाना होगा। क्या मुश्किल है अल्लाह मियां, ये ले इसको ले, जरा सा अब कर ले। अरे लगता फारी आ गई। अरे बेटे तुमने इतनी देर लगा दी, शाम होगी, तुमने तो कहा था फौरन आ रही हूँ। अम्मा तीन बसें बदल के आना पड़ता है, क्या हुआ है अब्बा, आपकी तबीयत कैसी है? चले हॉस्पिटल चलते हैं, शायद ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, चले उठे। नहीं अब तो बहुत बेहतर है पहले से। अब्बा आपको किसने कहा था काम पर जाने के लिए? मत बोलें, खामोश। उसको क्या लगे किसी की जान जाए या बचे, उसको तो मुफ्त का मुलाजिम मिलना था ना बस। और सिराज को पता नहीं है क्या है? इनको सांस की बीमारी है, फिर भी अब्बा आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। मैं जिंदा हूँ ना, अभी मरी थोड़ी हूँ। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके सेहत को खतरा हो, समझे आप? खाली हो गई, ये लाना होगा, नया कम हो गया, ये शायद इसलिए ज्यादा तबीयत खराब हो गई। परेशान ना हो, मैं ले आती हूँ। आ जाएगा अभी, नेहरा लेकर आएगी, वो ठीक हो जाएगी तबीयत। आखिर तुम मेरा एतबार क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। तुम बहुत अच्छे हो। अगर मैं इतना ही अच्छा हूं तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? जरूर मानती। अगर खुदा के लिए सगर मगर से बाहर निकला। हकीकत बहुत तल्ख है, मोहब्बत का नशा उतरने में वक्त नहीं लगता। फिर वही बात। अच्छा तुम ये बताओ कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ? क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती। अच्छी तो हर लड़की होती है, कर लो जाके शादी उनसे। बात अच्छे लगने की नहीं, बात दूसरों से मुख्तलिफ होने की है। तुम दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो। आज के इस दौर में, इस मुआशरे में, जहां लड़के वो सब कुछ नहीं करते, तुम एक लड़की होते हुए
ये सब कुछ कर रही हो, सब काम कर रही हो, बाहर निकल रही हो। फारिया प्लीज अपने नाचों को जाया मत करो, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। असर साहब मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। देखो यार, तुम्हारे बाप की बीमारी के बारे में सुन सुन के ना मैं बोर हो चुका हूँ। आखिर तुम्हारा बाप मर क्यों नहीं जाता? कब तक उठाती रहोगी ये बोझ? आपका दिमाग ठीक है? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? अच्छी तरह पता है, लेकिन मेरे पास भी हराम के पैसे नहीं कि रोज रोज तुम्हें बाप के नाम पे देता रहूंगा। मुझे जलील नहीं कर सकते। तुम जैसी लड़कियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। खुद के अय्याशी के लिए पैसे चाहिए, नाम माँ बाप का लेती हो। चलो निकलो यहाँ से। प्लीज देखो, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे नहीं पिघलाएंगे। अब निकलो यहाँ से, निकलो। देख क्या रही हो, बहरी हो क्या? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। इज्जतदार आदमी हूँ, खामखा कोई देख लेगा तो मसले होंगे। चलो निकलो। मैंने आपके कहने में जॉब छोड़ी थी, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे नौकरी दिलवाएंगे। तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया? वैसे भी तुम्हारी नौकरी से 10 गुना ज्यादा पैसे दे चुका हूँ तुम्हें। अब निकलो यहाँ से। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। शादी? और तुमसे? शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। चलो निकलो, निकलो, उतरो, निकलो। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। ये लीजिए, सूप पी लो, थोड़ी ताकत आई। वो मैं ये कह रही थी कि खुर्शीद कह रही है कि वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं आने के लिए। उनसे कह दो कि हमें बेटी की शादी नहीं करनी। वो यही कह रही है कि भले रिश्ता ना करें, एक दफा उन लोगों से मिल तो ले, बुला तो ले उन्हें। देखो अब मैं मजीद झूठे बहाने करके रिश्ता नहीं टाल सकता। मुझे तो लगता मेरी बच्ची की किस्मत में शादी ही नहीं। वो बहुत हौसलामंद बच्ची है, मैं समझता था कि वो कमज़ोर है, लेकिन नहीं, वो दुनिया का मुकाबला करना खूब जानती है। आप मेरी बात समझने की? देखो इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा हमें, वरना कहीं से जहर ले आओ हम दोनों खा लेते हैं, आर्या को आज़ाद कर देते हैं। सोपिल ठंडा ना कर देना। मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं सारी सारी दुनिया की जिल्लतें बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो मुझे गालियाँ भी देते तो मैं शायद गाड़ी से ना उतरती। उन्होंने तो मुझे धक्के देकर गाड़ी से उतार दिया। क्या होगा, कैसे चलेगा घर का खर्च? अब्बू का इलाज कैसे होगा? पुराने बॉस के पास तो जाना ही बेकार है, तो ऐसे साहब के दोस्त हैं। यार मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब सिर्फ तेरा ही आसरा है। क्या हुआ?
फारिया बताओ तो सही क्या हुआ है? अरे फारिया बेटी सौदा नहीं लाई? तनख्वाह नहीं मिली आज? कोई बात नहीं, परेशान होने की कौन सी बात है। जाओ तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, निकाल लूंगी एक दो दिन और। फारिया के अब्बा, वो खुर्शीद कह रही है कि वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं आने के लिए, बुला लें उनको। अजीब ढीठ हो गई है, एक बार जब हमने कह दिया कि बेटी की शादी नहीं करनी है तो क्यों जिद कर रहे हैं वो? वो भी तो यही कह रही है, मैंने भी 10 दफा मना किया लेकिन वो कह रही भले रिश्ता ना करो मिल तो लो एक दफा। ये है कौन लोग? वो कह रही है लड़का बहुत अच्छा है। देखो मैं किसी रिक्शा ड्राइवर या पंचर लगाने वाले से अपनी पढ़ी लिखी लड़की की शादी नहीं करूंगा। उसने बताया है कि लड़का पढ़ा लिखा है और शायद 50,000 तनख्वाह भी है। अच्छा फारिया के अब्बा, अब वो लोग इतना गिर के रिश्ता मांग रहे हैं तो एक दफा बुला के मिल ही लेते हैं, और अल्लाह को भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि अगर हम नखरा करेंगे तो। कहती तो तुम ठीक हो। मैं ऐसा करती हूँ, बुला लेती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है देखा जाए। मगर बेटी की शादी के बाद हमारा क्या होगा? फारिया के अब्बा क्यों परेशान होते हैं? अरे मिल लेने में कोई हर्ज नहीं, मेरे पास कुछ जेवर रखा हुआ। अरे वो तो लड़की की शादी में खर्च हो जाएंगे ना। अरे वो लोग इतने अच्छे हैं, कहलवाया है कि हमें ना कोई जहेज चाहिए ना कोई शादी का हंगामा चाहिए, बस मौलवी साहब आएंगे निकाह पढ़ाएंगे और अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा बहुत ही नेक लोग हैं भाई, आजकल के दौर में
ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? फिर क्या ख्याल है, बुला लूं? मैं कहती हूँ हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, कम से कम हमारी बच्ची तो खुश रहेगी ना। ठीक है, मैं बुला लेती, चाय पी ली, चाय पी लेना। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बच्ची चाहिए। कोई जहेज नहीं, कोई बड़ी तकरीब नहीं, बस हम आएंगे और अपनी बच्ची को ब्याह कर अपने घर ले जाएंगे। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम तो दीजिए। टाइम कैसा मियां साहब, कोई धूमधाम थोड़ी करनी है, बस मौलवी साहब को बुलाना है और निकाह पढ़वाना है। हमें तो कोई एतराज नहीं है, बस फारिया बेटी से बुलाइए ना उसे। फारिया, फारिया, फारिया बेटी आओ। चाय लीजिए ना, आओ बेटा, आओ आओ, आप बैठो। आज आज आओ, यहाँ बैठो। माशाल्लाह, मैं सुना था उससे कहीं ज्यादा प्यारी है। भाई साहब, मेरी बेटी मेरा नाज है, बड़ी चाहतों से पाला है हमने इसे। फारिया बेटा, यासिम की फूफो है। यासिम, ये उनके अब्बू आसिम के। माशाल्लाह से सब कुछ तय हो चुका है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है फारिया। बेटा, सब तुम्हारी हाँ के मुंतजर है। कितनी गिरे अब बा